हेलो एंड वेलकम टू ग्रेड अप स्टडी डॉट कॉम। तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज से मैं आपको बता दूं कि 10 दिन लगातार आपकी जनरल साइंस की जो रीजन क्लासेस हैं वो शुरू हो जाएगी, ठीक है। आज हम लाइव करने वाले थे लेकिन किसी रीज़न से हम नहीं कर पाए, तो आज की जो वीडियो होगी वो रिकॉर्डेड होगी और कल से आप सुबह 9 बजे रेडी हो जाइएगा। तो ये जो सीरीज़ है इसमें देखो, ये मत सोचना कि ये सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट गार्ड के लिए है, ये आपकी पुलिस कॉन्स्टेबल के लिए भी है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन चाहे 30 आए चाहे 8 आए, लेकिन तैयारी आपको उतनी ही करनी पड़ती है, ठीक है। ये नहीं कि भाई इसमें 8 क्वेश्चन आएंगे तो हमने तैयारी कम करनी है, इसमें 30 आएंगे तो इसमें हमने तैयारी ज़्यादा करनी है। भाई अगर साइंस आती है तो तैयारी आपको उतनी ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जिनका पुलिस कॉन्स्टेबल का एग्ज़ाम है तो वो भी सीरीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम क्वेश्चन करेंगे। तो हर एक क्लास में हम टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन 30 होंगे, लेकिन जब हम इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे तो इनकी जो संख्या है वो 50+ हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, हम उसके रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आपको समझाएंगे, ठीक है, जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि ऑन व्हाट प्रिंसिपल इज द वर्किंग ऑफ ए वॉशिंग मशीन बेस्ड। तो अब इसमें आप कन्फ्यूज़न हो जाते हो कि वह सेंट्रीफ्यूगल होगा या फिर सेंट्रीपिटल होगा, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल। तो मैं दोनों में डिफरेंस आपको समझा देता हूँ। तो पहला कौन सा है, सेंट्रीपिटल, ठीक है, सेंट्रीपिटल। दूसरा क्या है, सेंट्रीफ्यूगल। देखो एग्जांपल के मैं आपको समझा देता हूँ एग्जांपल से। तो एग्जांपल ये है कि जैसे कि ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये मेरा हाथ है, ये मेरी फिंगर है, और मैंने अपने फिंगर से एक धागा बांधा हुआ है, और उस धागे से मैं क्या कर रहा हूँ, एक पत्थर यहाँ से मैंने बांधा हुआ है और इसको मैं यहाँ ऐसे करके रोटेट कर रहा हूँ, ऐसे करके मैं क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ। अब मैं अपनी उंगली को ऐसे ऐसे करूँगा, ऐसे ऐसे करूँगा, और जो पत्थर है वो रस्सी के माध्यम से ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे घूमेगा। मतलब जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ वो मैं सेंटर से लगा रहा हूँ, ठीक है, मैं सेंटर से उसको फोर्स लगा रहा हूँ तभी वो ऐसे ऐसे करके घूम रहा है, ठीक है। तो इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। दूसरी तरफ है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसमें क्या होता है कि जब आप एक सर्कल की फॉर्म में घूमते हो, ठीक है, आप सर्कल की फॉर्म में घूमते हो, चाहे आप साइकिल में जा रहे हो, चाहे आप कार में जा रहे हो, चाहे आप बस में जा रहे हो, चाहे आप किसी में जा रहे हो, जब भी आप टर्न करते हो तो आपने महसूस किया होगा कि आप थोड़े से बाहर की तरफ जाते हो ऐसे करके, है ना। जैसे कोई गाड़ी ऐसे करके मुड़ती है तब जो फोर्स होगी वो इस तरफ से जाएगी, यानी कि जब आप अंदर बैठे होंगे तब आप थोड़ा सा ऐसे करके टर्न होंगे, यानी कि जो बाहर की फोर्स है, ठीक है, इस सर्कल की जो बाहर की फोर्स है आप इस सर्कल को पार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उस केस में आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करती है, ठीक है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। तो इसमें क्या है कि वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। तो पॉजिट्रॉन की खोज की थी कार्ल डेविड एंडरसन ने। देखो तो देखो, इससे पहले आपको 3 और खोजें जो हैं डिस्कवरी के बारे में पता होना चाहिए। तो पहली है न्यूट्रॉन, दूसरी है इलेक्ट्रॉन, तीसरी है प्रोटॉन, और ये क्या है, पॉजिट्रॉन, ठीक है। अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन की थी जेम्स चैडविक ने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की थी जे थॉमसन ने, ठीक है। प्रोटॉन की किसने की थी, रदरफोर्ड ने, और पॉजिट्रॉन की किसने की थी, कार्ल डेविड एंडरसन ने। तो सारी की सारी ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, नेक्स्ट मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज द बर्निंग ऑफ ए कैंडल। तो ये एक केमिकल चेंज है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है, यानी कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो यहाँ पे क्या आंसर है इसका, गैल्वेनोमीटर। अब आप बोलोगे सर जी गैल्वेनोमीटर और एमीटर में क्या डिफरेंस है, ठीक है, दिमाग में आती है ना बात। तो गैल्वेनोमीटर और एमीटर में डिफरेंस जो है वो हम अभी समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एमीटर की, ठीक है, और उसके साथ साथ हम बात करेंगे गैल्वेनोमीटर की।
देखो, जब हमको ये नापना हो, जब आपको ये मापना हो कि करंट कितना जा रहा है, ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी इन द सेंस कि इसके मैग्नीट्यूड भी है और इसकी डायरेक्शन भी है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी डायरेक्शन भी होती है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो करंट इज ए स्केल, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो देखो, जब हम एमीटर का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम करंट की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि उसको मापते हैं कि कितना करंट जा रहा है। फ्लो तो कर रहा है लेकिन कितना जा रहा है? 1 एम्पियर जा रहा है, 2 एम्पियर जा रहा है, 3 एम्पियर जा रहा है, 5 एम्पियर जा रहा है, कितना एम्पियर जा रहा है? तो करंट को मापने की जब बात की जाए तब हम एमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमको यही पता करना है कि करंट इसमें जा रहा है या फिर नहीं, यानी कि फ्लो ऑफ करंट, हमको यहाँ पे कोई भी इसकी वैल्यू नहीं निकालनी है कि कितना जा रहा है कितना नहीं जा रहा है, बस इतना पता होना चाहिए कि करंट जा रहा है या फिर नहीं, ठीक है। तो इसीलिए जो आपका गैल्वेनोमीटर होता है ये सिर्फ और सिर्फ उसका डायरेक्शन बताता है कि भाई हाँ जा रही है कि नहीं जा रही, ठीक है। जस्ट एक फ्लक्चुएट करेगा कि हाँ इसमें करंट जा रहा है, लेकिन एमीटर क्या करेगा? आपको बताएगा कि कितना करंट जा रहा है, ठीक है। तो बस इसमें यही डिफरेंस है गैल्वेनोमीटर और एमीटर में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है लाल चींटियां, शहद की मधुमक्खियां आदि में पाए जाने वाला एसिड जिसके कारण इनके काटने पर खुजली तथा दर्द होता है, क्या कहलाता है? यानी कि एक फेमस क्वेश्चन है कि चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर है फॉर्मिक एसिड। तो जो मधुमक्खियां होती हैं तो इनके डंक में भी सेम ही एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है HCOOH, ठीक है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर एक विशेष प्रकार के स्याही का प्रयोग किया जाता है जिसका निशान काफी समय तक बना रहता है, इस स्याही में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? देखो, जब भी आप वोट देने जाते हो तो आपकी उंगली पे एक ऐसे करके स्याही लगा दी जाती है ताकि आप फिर से वोट न डाल पाए, ठीक है। तो वो स्याही ऐसी होती है कि अगर वो चमड़ी पे लग जाए ऊपर तो उसको आप साफ नहीं कर सकते, ठीक है। नाखून पे लग जाए तब आप ठीक है उसको साफ कर सकते हो, लेकिन जब आप वो चमड़ी पे लग जाए तब वो साफ नहीं होती, ठीक है। तो इसमें ऐसा कौन सा एसिड पाया जाता है, इसमें ऐसा कौन सा रसायन पाया जाता है जिसके कारण वो इतना पक्का होता है कि रिमूव ही नहीं होता, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आता है, तो उस एसिड का नाम है सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में जो है वो टाइलिन नामक जो एंजाइम है वो पाया जाता है। क्वेश्चन आता है कि स्टार्च का पाचन कहाँ पे होता है, किसका पाचन? स्टार्च का, ठीक है, STARCH। तो स्टार्च का पाचन कहाँ पे होता है? तो स्टार्च का जो पाचन है वो आपके मुख में होता है, ठीक है। जब आप खाना खाते हो तो सबसे पहले स्टार्च का पाचन आपके मुख में हो जाता है। चलो आगे चलते हैं। शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपिस कहाँ पर स्थित है, यानी कि जो सबसे छोटी हड्डी है, बोन है, वो हमारे शरीर में कहाँ पर है? तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका कान है, ठीक है, उसमें 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो उसमें एक हड्डी है जिसका नाम है स्टेपिस, ठीक है। तो वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करेंगे सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो कौन सी है? फीमर। साइंस का जो लास्ट हमने लेक्चर लगाया था वो इसी पे हमने लगाया था कि कौन कौन सी हड्डी, यानी कि आपके शरीर के अंदर जो कंकाल तंत्र है, तो उसके बारे में मैंने वहां पे पूरा समझाया था। तो उसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है, वहां पे काफी क्वेश्चन बनते हैं, देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, यानी कि फ्रॉम विच ग्लैंड आर लाइफ सेविंग हार्मोन्स आर सेक्रेटेड, ठीक है। तो ये है आपकी एड्रेनल ग्रंथि, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि एड्रेनल ग्रंथि को जीवन रक्षक हार्मोन जो है वो स्रावित करती है, तो नाम याद रखना है एड्रेनल ग्रंथि, ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, काफी फेमस क्वेश्चन है कि ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग किस विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण होता है। तो आपको याद रखना है कि विटामिन डी की कमी के कारण होता है, ठीक है। अब देखो, ऑस्टियोमलेशिया रोग होता क्या है, इससे जो है वो आपकी हड्डियां जो है वो कमजोर हो जाती है। वो कैसे कमजोर हो जाती हैं?
तो एक कैल्शियम नाम का तत्व जो है वो कम हो जाता है हमारी हड्डियों में, जिसके कारण वो कमजोर हो जाती है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि विटामिन डी से हमें कैल्शियम भी मिलता है, ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि भाई धूप भी लेना जरूरी है। ठीक है, तो ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग जो है वो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट होते हैं, नेक्स्ट है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। व्हाट इज द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए? तो मतलब ये है कि डबल हेलिक्स जो मॉडल है डीएनए का वो किसने दिया था, तो वॉटसन और क्रिक ने दिया था, याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, सॉरी डीएनए के फुल फॉर्म आपने मुझे कमेंट करके बतानी है, डीएनए की फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर वन, डीएनए के फुल फॉर्म कमेंट करेंगे। नेक्स्ट है कि बिजली की घंटी में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है, यानी कि विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल बेल। तो देखो जो आपकी इलेक्ट्रिक बेल है वो मैग्नेटिक इफेक्ट से काम करती है, ठीक है, चुंबकीय प्रभाव से वो काम करती है। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी इलेक्ट्रिक बेल की बात आएगी तो वहां पे चुंबक यानी कि मैग्नेट का इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है प्रोटीन शरीर के ऊतकों में हुई हानि एवं उसके विकास के लिए उत्तरदायी होता है, यह किस अमल से बना होता है, यानी कि प्रोटीन जो है वो किस अमल से बना होता है, किस एसिड से बना होता है। तो ये वेरी फेमस क्वेश्चन है कि जो आपका प्रोटीन है वो अमीनो अमल से बना होता है। आज का क्वेश्चन नंबर टू ये है कि हमारे शरीर में अमीनो एसिड की कितनी संख्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि हमारे शरीर में अमीनो एसिड की संख्या कितनी है, कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर टू आज का। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है कि साधारणतः ध्वनि का वेग यानी कि स्पीड ऑफ साउंड अगर नॉर्मली बात करें तो वो रहती है 332 मीटर पर सेकंड। ठीक है, लेकिन अगर साउंड की स्पीड इससे ज़्यादा हो जाए, ठीक है, इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर देन दिस, तब उसको हम क्या बोलते हैं, तब हम उसको बोलते हैं सुपरसोनिक वेव्स। ठीक है, यानी कि सुपरसोनिक वेव प्राध्वनिक तरंग बोलते हैं उसको। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई स्पीड ऑफ साउंड क्या है, तो आपको याद रखना है 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है ध्वनि को मापने की इकाई। तो ध्वनि को मापने की इकाई क्या है, यूनिट ऑफ मेजरिंग साउंड क्या है, डेसिबल, इसको हम डीबी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। विच बैक्टीरिया आर नोन एज द साइनो बैक्टीरिया, किन जीवाणुओं को साइनो बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका आंसर है नीले हरे शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। अब एक क्वेश्चन आता है कि शैवाल यानी कि एल्गी के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं फिकोलॉजी। क्या बोलेंगे, फिकोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ एल्गी यानी कि फिकोलॉजी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या है, तो आईसी की फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। तो विच पार्ट ऑफ द बॉडी डज द हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो लीवर को प्रभावित करता है, यकृत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। तो सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाले एलपीजी गैस में, एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर उसे गंधयुक्त बनाया जाता है, तो इसमें क्वेश्चन ये है कि जो हमारा एलपीजी सिलेंडर होता है उसमें ऐसी कौन सी गैस पाई जाती है जिससे हमको ये पता लग जाता है कि यहाँ पर गैस लीक हो रही है या फिर नहीं। ठीक है, जब भी एलपीजी सिलेंडर लीक होता है तो हमको एक गंध आती है, स्मेल आती है। ठीक है, तो वो किस गैस की होती है, तो वो आपको नाम याद रखना है, उस गैस का नाम है मरकैप्टन। ठीक है, क्या नाम है, मरकैप्टन। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है कि पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है, व्हाट इज द टियर गैस यूज्ड बाय द पुलिस इज कॉल्ड अमोनिया। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, इरिस क्या है, इरिस, तो इरिस का काम क्या है, तो आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ठीक है, तो जो आपकी लाइट वापिस जाती है आपकी आईज में तो उसको ये क्या करती है, कंट्रोल करती है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है, तो मैंने आपको गैल्वेनोमीटर और एमीटर में डिफरेंस समझा दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, एमीटर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। रक्त कोश में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है। देखो, तो देखो जब आप ब्लड को डोनेट करते हो
तो उसको फिर कहाँ पे लेके जाया जाता है, ब्लड बैंक में। तो वहाँ पर उसको सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रस के साथ उसको मिलाकर रखा जाता है ताकि वो सुरक्षित रहे, लंबे समय तक सुरक्षित रहे। ठीक है, तो किसके साथ इसको रखा जाता है, तो आपको नाम याद रखना है, सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट। ठीक है, यानी कि सोडियम नाइट्रेट व सोडियम डेक्सट्रेट रसायन के साथ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका आंसर है वेबर पर मीटर स्क्वेयर। ठीक है, तो यहां पर ये स्क्वेयर होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 1 AMU इज इक्वल टू एनर्जी। तो यहां पर पूछा गया है कि 1 AMU इज इक्वल टू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ये बराबर होता है। तो AMU की फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट, तो इसका आंसर है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, वोल्ट। आगे चलते हैं कि पृथ्वी के अंदर जाने पर किसी वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो, जैसे आप पृथ्वी के अंदर जाओगे, ठीक है, वैसे वैसे आपकी जो जी की वैल्यू होगी, ग्रेविटी की वैल्यू होगी, वो जीरो होती जाएगी। ठीक है, जीरो होती जाएगी, यानी कि आपका जो भार होगा वो घटेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है कि जी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे होती है, जी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे होती है। तो जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है पोल से। ठीक है, जी की वैल्यू मिनिमम कहाँ पे होती है, तो जी की वैल्यू मिनिमम होती है इक्वेटर पे। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में क्या परिवर्तन होता है। अब देखो, कुछ जो पर्सन है जब वो पहाड़ों पे जाते हैं, ठीक है, तो उनको कुछ होने लगता है। ठीक है, वो कैसे, क्योंकि जो हमारे RBC है, रेड ब्लड सेल है, तो उनकी जो संख्या है वो बढ़ने लगती है। जैसे ही हम ऊंचाई पर जाएंगे तो इनकी जो संख्या होगी वो बढ़ने लगती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है। तो मैंने आपको बताया था कि 8 हड्डियां हैं, और अगर आपको पूछा जाए कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, तो कौन सा है, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है, तो आज का क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा। ठीक है, कमेंट करेंगे। आज का तीसरा क्वेश्चन है मानव खोपड़ी का सबसे बड़ा हिस्सा, क्या नाम है उसका, कमेंट करेंगे। 29th क्वेश्चन क्या है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है, तो डायबिटीज यानी कि मधुमेह। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी आता है कि जो हमें डायबिटीज होती है तो वो किसके, यानी कि किसकी कमी के कारण होती है, तो इंसुलिन की कमी के कारण होती है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, ट्रांजिस्टर में अर्धचालक यानी कि सेमी कंडक्टर के रूप में हम किसको यूज करते हैं, तो जर्मेनियम। ठीक है, ट्रांजिस्टर में हम सेमी कंडक्टर के रूप में किसको यूज करते हैं, तो जर्मेनियम। ठीक है, तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छी रही होगी, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और कुछ आपके रिविजन भी हुई होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।